हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले नीट असिस्ट 2023 उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेबस, एप्लीकेशन फीस के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीट असिस्ट 2023 के ओवरव्यू को देख लें तो इसका जो एग्जाम का जो डेट है वो है नीट असिस्ट 2023। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट सुपर स्पेशलिटी। कंडक्टिंग बॉडी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। कंडक्टिंग कोर्स ऑफर है डीएम, एमसीएच एंड डॉक्टर एनबी सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, एग्जाम मोड इज ऑनलाइन। अभी हम एग्जाम डेट्स के बारे में जान लें तो एग्जाम डेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होते 3rd week of July 2023। लास्ट डेट टू सबमिट है 1st week of August 2023। एडिट विंडो होगा 2nd week of August 2023। फाइनल एडिट विंडो टू रेक्टिफाई इमेजेस एंड सिग्नेचर 3rd week of August 2023। एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा 4th week of August 2023। एग्जाम डेट है 1st week of September 2023। कट ऑफ रिलीज होगा 3rd week of September 2023। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज 3rd week of September 2023। कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन टर्म 1st week of October 2023। लास्ट डेट जो होगा कैंडिडेट कैन एडमिटेड 4th week of October 2023। नीट असिस्ट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में स्टार्ट होता है फॉर नीट असिस्ट 2023। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करते हैं वो है 3rd week of July में इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है और कैंडिडेट अपने चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिंपली डिटेल्स को देखना पड़ेगा और उसे फोकस करना रहेगा। नेम, पेरेंट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अथॉरिटी विल प्रोवाइड द करेक्शन फैसिलिटी। आपको अथॉरिटी करेक्शन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्पेसिफिक फील्ड ओनली। कोई स्पेसिफिक जो फील्ड होते हैं उसको करेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल करता है। जो करेक्शन फैसिलिटी स्टार्ट होता है 2nd week of August और 3rd week of August। आपको 1 week का टाइम मिलता है करेक्शन फैसिलिटी के लिए। लास्ट वीक ऑफ सबमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म है 1st week of August 2023। अब एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा उसके बाद आप उसके प्रिंटआउट निकाल लेना और पेमेंट का प्रिंटआउट निकाल लें। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस होगा पेड होगा और आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करना रहेगा। कैंडिडेट अपने फीस को पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट गेटवे लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इश्यू बाय बैंक ऑफ इंडिया। एप्लीकेशन फीस जो का जो प्राइस है वो 4,250 rupees फॉर एवरी कैंडिडेट। नीट एसेस के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पे जाके कैंडिडेट फॉर रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, वहां पे उसके नीचे आपको डिटेल लाइक पर्सनल एकेडमिक डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। उसके बाद आपको अपलोड करना रहेगा फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर टू कैंडिडेट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको पेमेंट करना रहेगा थ्रू ऑनलाइन मोड। उसके बाद आपको प्रिंटआउट निकालना है एप्लीकेशन फॉर्म और फीस रिसिप्ट का प्रिंटआउट निकाल लेना। नीट एसेस 2023 की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएटेड मेडिकल डिग्री, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपका पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी बोर्ड से हो, एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड लाइक इक्विवेलेंट बोर्ड सेम है बाई 15 सितंबर 2023। कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ है क्वालिफिंग एमडी, एमएस, डीएनबी बोर्ड स्पेशलिटी एलिजिबल फीडर क्वालिफिकेशन टुवर्ड डिटरमिनेशन एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन नीट असिस्ट 2023। अपेयरिंग की बात करें तो इन द अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर इन 2023। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, अब एग्जाम पैटर्न जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन मोड। इसका जो एग्जाम होता है 2 घंटे 30 मिनट का होता है टू सॉल्व द पेपर और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द नीट असिस्ट पेपर। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आपको एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलता है और एक गलत आंसर का 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। इसके रिगार्डिंग में आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है हम आपको सबसे पहले बता देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।